एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूजीसी नेट होम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से आज अपना वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं एमए प्राइवेट जो सोशोलॉजी से होता है उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एमए प्राइवेट सोशोलॉजी सब्जेक्ट को। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एमए जो है वो आपका दो ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों से स्टार्ट कर रही हूँ, जो उनका सिलेबस है उसके बारे में। तो मैंने आप लोगों को कल अपने वीडियो में बताया ही था, आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख करके भी एक बार सिलेबस में बता दे रही हूँ कि जो एमए के फर्स्ट ईयर बच्चे हैं प्राइवेट के, उनका जो सिलेबस है उसमें चार सब्जेक्ट हैं कंपल्सरी और एक सब्जेक्ट आपका आएगा ऑप्शनल में। तो टोटल पांच सब्जेक्ट जो हैं वो आपके होते हैं एमए प्राइवेट में सोशोलॉजी से। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर, जिसका ये पेपर कोड है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक पेपर कोड होता है, उस पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही आप एग्ज़ाम में जो आपको पेपर शीट मिलती है उसमें आपको कोड डालना होता है। और ये कोड सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, ज़रूरी होता है कि आप अगर आपका ये पेपर कोड सही पड़ा है तो तभी आपकी कॉपी जो है वो चेक करी जाएगी। तो फर्स्ट पेपर मैंने आपको तो बताया है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर है, जिसका कोड है CG 187। सेकेंड पेपर जो है हमारा वो है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, CG 188। थर्ड है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, CG 189। अब लास्ट है हमारा रूरल सोसाइटी इन इंडिया, इसका पेपर कोड है हमारा CG 190। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये चार तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। अब आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपके टोटल चार पेपर होते हैं। इन चारों में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है। तो आपका जो पहला है वो है जेंडर एंड सोसाइटी, जिसका पेपर कोड है C-G287। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड सोसाइटी, जिसका पेपर कोड है CG-288। फिर थर्ड है आपका सोशोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट्स, जिसका पेपर कोड है CG-289। और लास्ट है आपका पॉलिटिकल सोशोलॉजी, यानी जिसका पेपर कोड है CG-290। तो ये आपके टोटल एमए फर्स्ट ईयर के प्राइवेट बच्चों के लिए जो सोशोलॉजी से एमए कर रहे हैं उनका ये सिलेबस है, ये पेपर्स हैं उनके। टोटल पांच सब्जेक्ट होते हैं उनके, जिसमें चार कंपलसरी हैं और एक आपका ऑप्शन वाला पेपर होता है। ऑप्शन में जो भी आपको सब्जेक्ट ठीक लगे आप वो उसको चूज करके फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो मैंने अपने टाइम में जेंडर एंड सोसाइटी वाला लिया था, इसमें लिंग और समाज के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी मैंने करी थी और उसके बाद भी मैंने ये पेपर जो है वो क्लियर किए थे। तो ये सारे आप लोगों के सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। मैंने आपको कल बताया भी था कि हर पेपर जो है आपका वो 100-100 नंबर का होता है, यानी टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो 500 में से काउंट किए जाएंगे। हर पेपर 100 नंबर का होता है, हर पेपर में आपको 33 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 100 में से 33 जो है वो आपका पासिंग मार्क्स होते हैं। तो ये बात हो गई सिलेबस की। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सोशोलॉजी। तो आज से मैं आप लोगों के सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कराऊंगी। तो आज हम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डीपली या डिटेल में जाकर के स्टडी नहीं कर रहे हैं, आज मैं आप लोगों को नॉर्मली बताऊंगी कि व्हाट इज सोशोलॉजी, यानी समाजशास्त्र क्या है। जो सोशोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है वो है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। तो सोशोलॉजी के लिए हम कह सकते हैं कि समाज का विज्ञान। अब अगर हम एक लैंग्वेज में या फिर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस।
इसका मतलब है कि समाज शास्त्र मानव समाज का वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम समाज के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो आपका जो सोशियोलॉजी है उसके अंतर्गत आता है कि हमारे समाज का जो भी विज्ञान है, जो मानव समाज के अंतर्गत मानव के या हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। अब आज मैंने आप लोगों को सिलेबस से आपको बताया है कि चार सब्जेक्ट हैं इसके, ऑप्शन पेपर भी हैं आपके। कल से मैं आप लोगों को समाज शास्त्र की डिटेल में स्टडी कराऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि समाज शास्त्र के बारे में जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह दी हैं, या फिलोसोफर हुए हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, तो उन डेफिनेशंस को भी मैं आप लोगों को लिखाऊंगी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि समाज शास्त्र का जो विकास हुआ है, जो उदय हुआ है, वो कब हुआ है और किसने किया है। तो कल हम समाज शास्त्र के बारे में उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, सारी चीज़ें देखेंगे कि उसका डेवलपमेंट हमारे समाज में किस तरीके से किया गया है। तो मैं अपना आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए नहीं, यहीं पर बस ख़त्म करना चाहूँगी। आप लोग को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।